सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा थर्ड चक्र है, इसे मणिपुरा भी बोलते हैं। कलर येलो होता है। लोकेशन अपर एब्डोमेन होता है, स्टमक एरिया में। अगर इस चक्र में ब्लॉकेजेस है तो हमें इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस चक्र का एलिमेंट फायर एलिमेंट है, जो हमारा विल पावर है, हमारा जो एक आइडेंटिटी है, हम जजमेंट्स लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है वो इस चक्र से रिलेटेड होते हैं। और अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है, कम फंक्शन कर रहा है, तो लो सेल्फ एस्टीम या लो पर्सनल एनर्जी होना, एक कंफ्यूजन जैसा स्टेट होना, क्लैरिटी नहीं होना किसी चीज़ में, और इनडिसिसिवनेस लेना, प्रॉपरली डिसीजंस नहीं ले पाना अपनी लाइफ में, ये सब इश्यूज होते हैं। और अगर ये चक्र ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, एक्सेसिवली फंक्शन हो रहा है, ओवर एक्टिव है, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि अथॉरिटिव है इंसान, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम दूसरों को अपने से कम समझने लगते हैं और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर या ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे किडनी प्रॉब्लम, ईटिंग डिसऑर्डर, एस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। तो अब देखते हैं इसे बैलेंस कैसे करें। पहले तो हमें येलो कलर के फूड्स इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। अब येलो फूड हो गया जैसे बनाना, दाल्स हो गए और येलो पेपर हो गया। हमें कोशिश करके प्रोसेस्ड फूड और जो हाई शुगरी फूड्स होते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए अगर इस चक्र का फंक्शन हमें बैलेंस करना है। तीसरा है पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर हम रिपीटेड बोलते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स भेज रहे हैं, और हमने जो ऑलरेडी लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थिंकिंग बनाई रखी है, वो सब नेगेटिव थिंकिंग क्लियर होती जाती है, वो ब्लॉक्स रिमूव होते जाते हैं और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाते हैं। पर इस चक्र का पॉजिटिव एफर्मेशन है, आई एम केपेबल, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। सो ये आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना है, कोशिश करके इसे 21 डेज तक लगातार रिपीट कीजिए।